1977 के अंदर पहले विधायक बने थे, मुंडवा की सीट बनी थी, और उसके बाद मैं राजनीतिक परिवेश के अंदर, राजनीतिक परिवार के अंदर पड़ा पड़ा, और 9th क्लास के अंदर जयपुर मेरा एडमिशन करवा दिया। मेरे दो भाई छोटे बड़े तीन भाई मैं जयपुर पढ़ने में लेकर करेंगे, वहाँ हमेशा जो प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ उठ बैठते थे, हम भी उनकी बातें सुनते थे, स्कूल भी जाते थे। तो शुरू से जब मैं इसी परिवेश मेरा लगातार आज तक सरपंच का इलेक्शन भी हमारे परिवार से 55 साल सरपंच भी रहे, मार्केटिंग बोर्ड के कोऑपरेटिव चेयरमैन भी पिताजी रहे, आज भी छोटा भाई मार्केटिंग अंदर है, और मैं यहाँ से तीसरी बार विधायक भी बन गया। मैं जब स्कूल के अंदर पढ़ता था तब भी मेरी सेवा करने के अंदर मेरी मानसिकता थी, पिताजी के जो राजनीतिक छोटे मोटे कामकाज होते थे उनमें भी हम दखलअंदाजी छोटी मोटी कर लेते थे, उनकी बातें सुनते थे, बड़े नेता थे उनके बारे में बड़ी जागरूकता थी, कोई राजनीति के अंदर हम जाके सेवा और समर्पण भाव से हम काम करें। मेरे पिताजी ने भी लंबे टाइम तक गरीबों की सेवा करी, नागौर जिले के अंदर गरीब किसान जब भी उनके पास आते तो 24 घंटे मेरे घर पर भी 24 घंटे में देखता था बच्चा था जब, कि मेरी माता जी खुद 200 आदमियों का खाना खुद बनाती थी, और आज भी मेरी मदर 70 साल की उम्र हो गई, घर से कोई व्यक्ति गांव जाता है तो घर से बिना खाना खाए वो आने नहीं देती। हमेशा ये परिपाटी थी सबके बीच बैठ के, सबको साथ लेके, सबके बीच लेके एक पंचायत की राजनीति से सफर तय किया, और वो विधायक रहे, 5 चुनाव उन्होंने लड़े थे, और 6ठे चुनाव के अंदर चुनाव के दौरान उनकी डेथ हो गई, तो मुझे पार्टी बीजेपी उम्मीदवार उसने बनाया था, वो भी पर्चा कलेक्टर एसडीएम की वजह से पार्टी की वजह से मेरा खारिज हो गया। लेकिन पिताजी के पास बैठते बैठते हमारी इच्छा थी कि स्कूल का मैं अध्यक्ष बनूँ, स्कूल के अंदर जो चुनाव नहीं होते थे तो हम ऐसे ही अध्यक्ष मॉनिटर एक अध्यक्ष खुद ही अध्यक्ष बन गया वहाँ खड़ा के। उसके बाद ये इच्छा थी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से मैं पहली बार मेरा जब स्कूल में पढ़ता था उनसे जब मैंने हाथ में लाया उस समय राजस्थान अध्यक्ष 1989-90 के अंदर, तब मेरा था कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूँगा, बड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बड़ा रुतबा होता है, बड़ा क्रेज होता है, तो छात्र से होने लगता है। तो उसके बाद कॉलेज का अध्यक्ष और राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, वहाँ भी ग्रामीण छात्रों की सेवा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहा, और क्योंकि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, 1998 के अंदर मैं विधायक बन गया था, जब पिताजी की चुनाव के दौरान डेथ हुई थी तो पार्टी की गलतियाँ थी। उसके बाद बहुत संकट मेरे परिवार पर आ गया, मैंने फिर विधायक बन के और राजस्थान की जनता की सेवा का, किसानों की सेवा का और किसान के बेटों की सेवा का बीड़ा उठाया, मैं विधायक बन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाऊँगा। सत्ता प्राप्ति का सुख भोगने की कभी इच्छा मेरी नहीं रही, हमेशा मैं लड़ता रहा, इसलिए 2003 के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को लेकर वसुंधरा राजे से झगड़ा हुआ, फिर तब मुझे नागौर की सीट पर टिकट दे रहे थे, मैंने कहा पेरेंटल सीट है मेरी मुंडवा, मैं मुंडवा की सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं निर्मली चुनाव लड़ा और 2500-3000 वोट से मेरे चुनाव गए, फिर क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी के अंदर, पिताजी मेरे बीजेपी में आ गए थे 95 के अंदर, तो मैं बीजेपी के अंदर ही यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष निर्दलीय बना, लेकिन फादर की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अंदर उनके नेताओं को यूनिवर्सिटी में बुलाना, पिताजी की वजह से मैं भाजपा के अंदर शामिल हो गया। और फिर बाद का जो चुनाव 4 के अंदर लोकसभा के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली वापस, तो बहुत सारी दादावास की मदद करी थी, और वो जो जीत उनकी 360 जिसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था मेरा था। फिर 5 और 6 के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन, मेहटा का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी की खिलाफत कर दी हमने, हमने कहा भाई गरीब किसान का बेटा जीतना चाहिए, हम पार्टी के अंदर रहकर भी हमारा जो मन था वो अंदर से अलग तरीके का मन था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला और बोल्ड और अमीर गरीब का भेदभाव हमने करके गरीब व्यक्ति का साथ दिया। तो गुजर आरक्षण आंदोलन और दीडोणा के अंदर जीवन गोदर हत्याकांड हुआ, उससे सारी तस्वीर बदल गई, हम वसुंधरा राज्य के फ्रंट पे लड़ने हुए, फ्रंट पर हम लोग आ गए, और हमारे पे जातिवाद का ठप्पा भी लगा, लेकिन हमने अपराधियों की खिलाफत राजस्थान के अंदर की, और किसान के बेटों का जिन्होंने खून बहाया उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद 7 के अंदर संघ के लोगों के कहने से और दूसरा जो बीजेपी के अंदर वसुंधरा का विरोधी खेमा था उनके कहने से मैं 7 के अंदर वापस मेरी बैठ के बाद 8 का चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव किया, और 8 के चुनाव के अंदर जब गजेंद्र खेम चलती और दूसरे लोगों ने जब मेरी खिलाफत करी है 8 के चुनाव के अंदर बीएसपी को बोल देना, इससे मेरा मन व्यथित हुआ। मैंने वसुंधरा और जो उच्च नेतृत्व है उनका सब सोचा, मैंने उनको शिकायत करी, मैंने कहा इन लोगों ने मेरी खिलाफत करी और आपने जब मुझे बीजेपी का टिकट दिया इसी बात में सारी बात थी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई आपकी खिलाफत नहीं करी, तो मैं फिर वसुंधरा राजे से वापिस मेरा झगड़ा दोबारा हुआ, और मैंने कहा इस तरह आपने जो भ्रष्टाचार किया आपके साथ बैठे हुए हमें खुद को अफसोस है, हम बीजेपी जीत जाए
और फिर बाद में मैं बीजेपी से बाहर आ गया। और नौका जो चुनाव था उसमें मैंने बीजेपी पार्टी की मदद नहीं करी और बाद में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता रहा, मुझे पार्टी से निकाल दिया। और 13 के चुनाव के अंदर निर्दलीय मैंने तिरुपति लाल जी मीणा के साथ मेरी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, क्योंकि वो नई पार्टी नहीं बना पाए, राज्यपाल लेके आए थे। तो मैंने कहा नई पार्टी आप बना नहीं पाए, इसलिए मैं आपकी पुरानी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और मैं निर्दलीय यहाँ जिसमें सबसे जीता, उसमें नागौर के अंदर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको मैंने नागौर में निर्दलीय को मदद करी पश्चिम उत्तर में। और 13 से 18 तक राजस्थान के अंदर किसान हितों के लिए, जवान हितों के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आपको लड़ता हुआ नजर आया, कांग्रेस से ज्यादा मान बनी वाला लड़ता हुआ नजर आया। और मैंने हुंकार भरी नागौर की धरती से संपूर्ण राजस्थान स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो, 10,000 बेरोजगारी भत्ता मिले, 4,00,000 खाली पर भरे जाए, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और आम आदमी गरीब आदमी थाने तहसील में जाए तो उसको मान सम्मान मिले, हर खेत में सिंचाई का पानी मिले, लोकतंत्र पुनः स्थापित हो राजस्थान के अंदर। तो इसको लेकर नागौर के बाद बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और फिर जन आंदोलन के माध्यम से हमने सत्ता प्राप्ति हमारा मकसद नहीं रखा। फिर मैंने कहा मैं नए रूप में आऊंगा तो नई पार्टी मैंने बनाई। मैं पहला किसान का बेटा हूं राजस्थान की राजनीति के अंदर, जो यूपी और दिल्ली की उदार की पार्टी लेके नहीं आया। यहाँ नेताओं ने पार्टियों में चुनाव जरूर लड़े थे, यहाँ लोक दल भी बना, जनता दल भी बना, लेकिन पार्टियों में हेड दूसरे होते थे। ये नागौर के किसान के बेटे ने, राजस्थान के किसान के बेटे ने इस पार्टी को लड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने जवान दी थी कि मैं गायों की रक्षा करूंगा और नाग देवताओं का मैं वापिस आऊंगा आपको, पहले मुझे गायें लाने दो, उनको तो गाय लेके आए, बाद में अपने वचन उन्होंने निभाए। इस तरह हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति के अंदर वचन निभाया। मैं कोई मंत्री की दौड़ में नहीं था, मंत्री बनना था अब बन जाऊं, मुझे कौन रोक रहा है, ऊपर भी बन जाऊं, नीचे भी पहले भी बन जाता, 3, 8, 13, 18 के अंदर मैं मंत्री कई बार बन जाता। लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं एक सोच, एक विचारधारा राजस्थान के अंदर परिवर्तन की विचारधारा पैदा करूंगा। मैं परिवर्तन की विचारधारा लेकर आया इस राजस्थान के अंदर। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पार्टी बनाकर लड़ा, 57 सीटों में उम्मीदवार मैंने खड़े किए, 3 जीती, कई जगहों पे हम सेकंड रहे और कई जगहों पर अच्छे वोट, 35, 40, 45, 50, 55 इस तरीके के वोट आए और अच्छे 3% वोट लिए। और अच्छे लोग जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर अच्छे लोग जो राजस्थान के अंदर थे, हमें लगा कि अच्छे ईमानदार लोग हैं, उनको डिस्टर्ब भी हृदय कर दी थी। ये नहीं भाई 200 जगह लड़ा के हमें तो वोट बैंक बढ़ाना, जिस तरह बसपाई काम करती है वो काम भी मैंने राजस्थान के अंदर नहीं किया। हर व्यक्ति का ध्यान रखा, हर जाति का ध्यान रखा, हर कौम के लिए लड़ा, हर समाज के लिए लड़ा। आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत भी करी मैंने रैलियों में, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे सारे भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात की हनुमान बेनीवाल ने पहले भी करी, जब गुजरों पर गोलियां चलाई गई थी तब मैं बीजेपी के अंदर होता भी गुजरों की लाशों के पास और सड़कों पर बैठा था, गुजर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और आज भी मैंने ये मांग विधानसभा के अंदर उठाई कि जब संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया जा सकता है तो गुजर सहित अन्य 4 जातियों को संविधान संशोधन करके नरेंद्र मोदी को आरक्षण देना चाहिए। क्यों स्टेट में डाल दो, सीधा 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दो संविधान संशोधन करके, झगड़ा खत्म हो जाएगा और ये 7 स्टेट के अंदर गुजरे। मैंने तो इस तरीके से बात तो अभी भी विधानसभा के अंदर पुरजोर करके बनाया था। मैंने हमेशा प्रयास किया कि आम आदमी गरीब आदमी की सत्ता के अंदर भागीदारी हो। भ्रष्ट तंत्र की, भ्रष्ट अधिकारियों की मैंने खिलाफत करी, भ्रष्ट नेताओं से मेरी कभी नहीं बनी, माफियाओं से रोज टकराया। मेरे समाज के जो माफिया थे, भ्रष्ट नेता थे, उनको मैंने घर बिठा दिया सबको। अब नए सिरे से हमने प्रयास किया, ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसमें आरएलपी मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह नए लोगों को मैंने यहाँ मौका दिया विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी नए लोगों को मौका दे, हम एक नई जो विचारधारा हमारी बनी, निश्चित रूप से हम लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। और ये दोनों पार्टियों में दादागिरी, जो एक को वेंटिलेटर में 99 में डाला और एक को शासमन पार भेजने की बात की, भेज दिया शासमन पार, पीछे छोड़ेगा नहीं। लोकसभा चुनाव इसमें भी हमारी ताकत पुनः, आरएलपी का हर कार्यकर्ता तैयार बैठा है, उनको बोतल दिखाई दे रही है, बोतल का चिन्ह, तो बोतल के चिन्ह के लिए तैयार है राजस्थान का युवा। और हम लोकसभा के अंदर हमारा पूरा शक्ति प्रदर्शन, पूरी ताकत दिखाई। सत्ता के गलियारों से क्यों खो रही पुलिस जनता का विश्वास? कौन सुनेगा अन्नदाता का दर्द? आखिर क्यों बेचैन है युवा मन? आधी आबादी की आवाज, आखिर सरकारी योजनाओं का क्यों नहीं मिल रहा फायदा? हम बताएंगे पल पल बदलती राजनीति के रंग।
शहर की हर खबर से आपको करेंगे बाखबर। टू जी बी, फोर जी सबके लिए फ्री है, लेकिन पीने का साफ पानी नहीं। राजपथ के रोड साफ हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण नहीं। खाना दिखता साफ है, लेकिन होता नहीं। हंगामा तो बहुत है, लेकिन जरूरी बातों पर नहीं। हर तरफ धर्म पर राजनीति है, लेकिन राजधर्म नहीं। धन्यवाद साहब, आप लंबे समय से राजनीति में, बताएं परिवार को किस तरह से समय दे पाते हैं आप? देखिए, ये मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मेरी शादी भी लेट हुई थी 2009 के अंदर। मैं तो इतना लड़ा लोगों के लिए, शादी करनी भूल गया था एक बार। तो फिर मेरी माता जी ने कहा शादी तो करनी पड़ेगी बेटा, ये भी धर्म अपने को निभाना, शादी नहीं करेगा तो मैं बिल्कुल ऐसे हो। तो मैंने शादी भी की, ये दो मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, जैसे कई कई बार जब रैलियां थी, संघर्ष था, प्रदर्शन थे, कई शादी करने के बाद की लड़ाई थी, कई जब 42 दिन आंदोलन तब चला था, तब से लेके कई परिस्थितियों से हम लोग गुजरे। मैं तो बहुत विकट, मेरे दो भाई एक्सपायर हो गए, बड़े भाई थे, इतना बड़ा संघर्ष मैंने किया, राजनीतिक शिकार हो गए, झूठे डबल मर्डर से मुकदमा मारू को लेकर। परिवार को टाइम देने का प्रयास करता हूँ, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर होता हूँ, तो निश्चित रूप से ये बच्चे मुझे बुला लेते हैं, तंग करते हैं मुझे, पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ। मैं आ जाता हूँ 200-300 किलोमीटर से, और प्रयास ये करता हूँ इनको टाइम दूँ, लेकिन जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम इनको नहीं दे पाते। कई बार चीज करते, पापा स्कूल छोड़ने चलो, तो मैं कई बार नहीं जा पाता। ये जिद्दी भी करते हैं, रोते भी हैं, मुझे बुला भी लेते हैं, तो मैं कोशिश आने की करता हूँ, कई बार इनको टाइम नहीं, जैसे ये नर्वस हो जाते, लेकिन मेरी पत्नी बच्चों को संभाल लेती है, और इनको हम और बात करके इनको राजी करने का प्रयास करते हैं, बेटे घुमाने ले जाएंगे, ये करेंगे, इनको मान लेते हैं, जैसे नटखट बोलते दोनों। आपका क्या नाम है जी? आप बताएं किस तरह से बेनीवाल साहब पॉलिटिकल पर्सन है, इनकी जो लाइफ है बहुत टाइट शेड्यूल होता है, तो किस तरह से सामंजस्य बिठा पाता है, आपको कैसा लगता है? बस मेन प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है, बाकी तो देखते हुए चलते हैं कि हाँ इनका संघर्ष है, ये जारी रहेगा, तो इसके लिए हमें साथ तो देना ही पड़ेगा, और बच्चों को संभालने की बात है तो वो एक माँ संभाल सकती है बच्चों को। शादी से पहले आपने कभी सोचा था कि आपका जो आगे की जो लाइफ स्टाइल है कैसी हो सकती होने वाली है? कभी नहीं सोचा था इस तरह की स्ट्रगल होगा, ये तो नहीं सोचा था बिल्कुल। आपको कैसा लगता है जब बेनीवाल साहब की इतने चर्चे होते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, मतलब इतना उनका नाम है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि अब जैसे इलेक्शन लड़ा है और इस टाइम इस बार तो कॉन्फ्रेंसिंग में भी नहीं रहे हैं, तो जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है उसको देख के सब सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। इस बार आपने भी उनके कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल किया, और क्या आपका कभी मानस है कभी मौका मिला तो आया? नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए पूरी की थी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किस तरह से आप कभी एक्सपेक्ट तो करते होंगे कि हमारे साथ सामान्य कंडीशन हर औरत की रहती है, लेकिन जहाँ तक है थोड़ा बहुत सिस्टम बिठाना भी पड़ता है बच्चों के लिए भी, और इनका देख के शेड्यूल देख के हमें भी उसी शेड्यूल के हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, इनकी दिनचर्या क्या रहती है घर में? घर में रहते हैं तो घर से पूरा टाइम देते हैं, अगर घर के अंदर है तो देंगे, लेकिन बाहर जैसे लोग आ गए हैं तो फिर उनको भी टाइम देना, और हम ये भी समझते हैं कि अपना जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने मुकाम पर हमें पहुंचा है, तो उनकी हर बात सुननी भी चाहिए। आपकी क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए कि इनको आगे और मतलब जनता के लिए क्या और करना चाहिए? अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा भगवान से उसकी प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनको पूरी कामयाबी मिले जहाँ भी है लोगों के लिए। हमेशा कहाँ देखना चाहते हैं भविष्य में आप इनको, हाइट पॉलिटिकल हाइट में कहाँ तक देखना चाहते? मिनिस्टर बनना भी नहीं चाहते और हम देखना भी नहीं चाहते, इसके साथ लड़ाई करके जहाँ तक जिंदगी भर संघर्ष। जनरली पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनकी एक आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है कि कभी वो मंत्री बने, सीएम बने, फिर आगे चल के यदि मौका मिले तो सेंट्रल में जाए, पीएम बने, इस तरह की अपेक्षा होती है। आपकी ऐसी अपेक्षाएं क्यों नहीं? इसलिए नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन लोग इनको देखा है लड़ते हुए,
कि इस लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इनकी जो सोच है वो मेरे को सही भी लगती है, इसलिए मेरी भी इनके इनको देख के वो कहते हैं ना कि काले के पास बुरा बैठे हैं रंग नहीं तो बुद्धि है, ये तो वही वाली बात है, ये जैसा देखते हैं वैसा ही ढल चुके हैं कि लोगों के लिए लड़ना है तो इनको हफ्ते भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ेगी। बेटा आपका नाम बताओ, क्या नाम है आपका? दिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड में पढ़ते हैं। अच्छा, इस बार जब इलेक्शन हुए तो आप पापा के साथ कई पब्लिक मीटिंग्स में गए हैं, तो आपने भी भाषण दिए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हेलीकॉप्टर। ओहो, अच्छा आप ये बताएं कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। पॉलिटिकल पर्सन क्यों नहीं, राजनेता क्यों नहीं बनना चाहते? पॉलिटिक्स में जो एक इमेज होती है लोगों की, राजनेताओं की, होती है कुर्ता पजामा पहने हुए कोई व्यक्ति उनके सामने होता है, मतलब जनरली कभी न कभी ऐसा अवसर जरूर आता है जब कोई एक राजनेता कुर्ता पजामा पहनता है। हमने कभी आपको कुर्ता पजामा पहने नहीं देखा, आपकी जो लिविंग स्टाइल है बड़ी स्टाइलिश है। कुर्ता पजामा कभी स्टूडेंट लाइफ में दो बार चार बार यूं पहन लेते, बाकी मेरा शौक ही था पैंट शर्ट और इसके अंदर। तो मैं अलग जो पॉलिटिशियन की एक छवि है ना, जो नेताओं की एक छवि, उसमें अलग ही छवि पैदा करना चाहता हूँ कि नेता खाली कुर्ते पजामे से नहीं होता, पैंट शर्ट वाला भी लीडर हो सकता है, दूसरा भी लीडर हो सकता है, पैंट शर्ट भी पहनता है। आपके अनुसार नेता में प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? देखो मेरी जो सोच है, मैं तो चाहता हूँ नेता में प्रमुख गुण ये होना चाहिए कि भ्रष्टाचार का खात्मा नेता करे। अगर नेता ईमानदारों तो निश्चित रूप से इलाके की जनता भी ईमानदारी की बात करेगी, ईमानदार होगी। मैं यहाँ 20 साल पहले जब आया था यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष में, तो मैं शिक्षा की बात करता था, लोग बात नहीं मानते, लोग यार शिक्षा की बात में बच्चों को बकरियां चराने बैठना, आप तो ऐसी बातें करो, और वही लोग आ जाते हैं एम्बुलेंस साहब स्कूल खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, अध्यापक खुलाओ। तो शिक्षा की गांधी क्रांति नागौर जिले में, पिछड़ा जिला था, और ये मैंने लोगों को लड़ना सिखाया। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेना आता था, कलेक्ट्रेट किया जाता है सड़क पर, मैंने लोगों को लड़ना सिखाया। मैंने ये भी कहा कानून नहीं तोड़ना, कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी गुंडागर्दी करे तो आपको मुकाबला करना। ये मुकाबला करना हनुमान बेनीवाल ने नागौर में नहीं, पूरे राजस्थान के नौजवानों को 5-5 लाख की संख्या के अंदर भीड़ इकट्ठी करके भी कभी कानून हाथ में नहीं लिया, कभी मेरी वजह से कोई उद्धार नहीं हुआ। और बड़े बड़े उद्धार रोक दिए, जैसे कुमारी की घटना थी, सामड़ाव की घटना थी, कहीं साम्राज्य के अंदर राजपूत जाट आमने सामने हो जाए तो हनुमान बेनीवाल दीवार बन के बीच में खड़ा हो गया, मैं तो जातियों को लड़ने नहीं दूंगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, अपनी जाति की पॉलिटिक्स हर कोई करे, उसको अधिकार है, लेकिन जातिवाद के आड़ के अंदर अगर आम आदमी का नुकसान हो वो हम नहीं, इसमें बीच में कूद पड़े। बेनीवाल साहब, राष्ट्रीय पार्टी बना ली, उस राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाना आपका मुख्य ध्येय होगा, लेकिन अब इसके पीछे आप क्षेत्र की जो जनता है आपकी, उसके लिए आपका क्या सपना है? देखिए, मैं 600 की जनता का सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा इस बार इस लड़ाई के अंदर। मेरा हौसला कभी जगमगाया नहीं, मेरे कई लोगों ने कहा चुनाव के अंदर दिक्कत आ गई है, अपन गांव गांव नहीं जा पा रहे, लेकिन 600 की जनता ने संदेश दिया पूरे राजस्थान और देश के अंदर कि उनका नेता बाहर घूम रहा था, उन्होंने कहा आप जाओ राजस्थान को संभालो। सचिन पायलट जो सीएम के दावेदार थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर दिन प्रोग्राम दे रहे थे, अशोक गहलोत भी घूम रहे थे, वसुंधरा राजे हर सेकेंड डे लालापाटन के अंदर थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान के आरएलपी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा था, तो उसकी जनता 36 करोड़ के लोग उसके लिए लड़ रहे थे। और छिहत्तर के साथ साथ भोपालगढ़ मेड़ता की जो तीनों जगह और जाइल और आसपास जो प्रदेश हमारा था, और कई जगह हमने लड़ाई नागौर में लड़ा था, समीकरण डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा होगा, लेकिन मेरी लड़ाई से भाजपा अगर मैं सारे उम्मीदवार खड़े कर देता तो ये तय थी कि भाजपा की सरकार बन जाती राजस्थान के अंदर। ये कलंक मेरे ऊपर लगता है हनुमान बेनीवाल की वजह से बीजेपी 90+ चलेगी, और जिस वसुंधरा मेरा झगड़ा था कुछ ही वापस पैदा कर देता, जो ईश्वर ने किया वो ठीक किया, मतलब मैं अपने आप को ठीक मानता हूँ। 3 सीट भी अच्छी है, मेरे 3 लड़ाके मुझे मिल गए, लोकसभा में ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। एक काम मैं अभी तक नहीं कर पाया कि जो कनेक्शनों को लेकर हमारा था, मैं डाक जो खत्म करा कि कनेक्शन जोड़ने कराओ, मेरी बात पूरी हो गई, खनिज के प्रत्येक किसानों को उनके खेतों में मिल जाएंगे, डार्क जोन मुक्त ये इलाका हो जाएगा, एक बार जितने भी सच्चे कनेक्शन उनको नियमित करा देंगे, ताकि ये जो इमेज हमारी बनाई है ना, कोई चोरी बिजली की चोरी, जब की चोरी तो धौलपुर और झालावाड़ में ज्यादा होती थी, लेकिन इमेज चूंकि हनुमान बेनीवाल का वसुंधरा झगड़ा था इसलिए बनाते क्षेत्र में बिजली की चोरी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू नागौर जिले में क्षेत्र पहुंचने के किसान देते हैं। ये मेरा रहेगा, गांव गांव सड़क बने, स्कूल कॉलेज, एक कॉलेज हम और खुलाना चाहेंगे क्षेत्र में, खुलवा दिए कॉलेज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और हम सुकेरा के अंदर या आसपास जहाँ भी कॉलेज खुलेंगे कॉलेज और खुलाना चाहेंगे, सड़कें हमारी कंप्लीट है, कुछ हॉस्पिटल स्कूल और रोजगार
का माध्यम यहाँ बना तो कोई नया रोजगार नहीं है। इसके लिए हम प्रयास करें, कॉन्स्टेंसी का ही हमेशा मैंने सबसे ऊपर रखा और ज्यादा टाइम कॉन्स्टेंसी का आपके सामने दे रहा हूँ, 3-4 दिन लगातार घूमूंगा, फिर बाहर भी जाऊंगा। अब जहाँ राजस्थान में जिन लोगों ने मेरे से अपेक्षा रखी, जिन्होंने मुझे अपना भाई मान लिया या मेरे उम्मीदवारों की मदद करी, वहां भी मुझे जाना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। भविष्य में आप मतलब किस तरह से देखते हैं आपकी पार्टी को, कहां तक ले जाना चाहेंगे, सत्ता में लाने और उसके आगे सरकार बनाने की जो कोशिशें हैं वो कैसे? देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा जो संकट है आर्थिक तंगी की वजह से मेरे 10 से ज्यादा उम्मीदवार हार गए। मैं देख रहा था वो हार रहे, लेकिन मेरे पास विकल्प, अगर मेरे पास मजबूती की आर्थिक स्थिति होती तो मेरे 10 उम्मीदवार और अपना आप जीत गए। लोग चाहे जैसे आरोप लगे, उनके आरोपों से कुछ बढ़ता नहीं है। मैंने मेरे उम्मीदवारों को देखा, जैल में मेरा उम्मीदवार इससे आ गया कि वो आर्थिक तंगी, ऐसे ही पोटन, ऐसे ही शिव, कई जगह ऐसी थी आर्थिक तंगी के चलते, चोमू भी थी, ये हमारी सीटें बगरू दूगू साक्षू, ये सीटें अभी कई सीटें ऐसी थे बॉर्डर पर आके कंटेस्ट करते थे, लेकिन पैसे नहीं थे उम्मीदवारों पर, हमारे पास पैसा नहीं था, नई पार्टी थी, हमने भीख नहीं मांगी लोगों से, अपने आप जिसने मदद कर दी, वाईएलपी का अकाउंट था, छोटी मोटी कोई मदद हो गई, जो मेरे यार दोस्तों ने या साथ मिलने वाले लोगों ने कोई बात करी, ऐसे नहीं कि हम कोई जोड़ी फैला के कोई चंदा मांगते घूम रहे राजस्थान, ये काम भी हमने नहीं किया, हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और ये तय है कि भगवान हमारी मदद करेगा। हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम नया राजस्थान चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं राजस्थान के अंदर, और ये कर्ज माफी जो 50,000 की हुई थी, 2 लाख की हुई, इतने टाइम में टोल मुक्त हो, संपूर्ण टोल की बात जहाँ चल रही है, और ये बेरोजगारी भत्ते की बात भी कोई लेकर हनुमान बेनीवाल लाया राजस्थान की राजनीति, उससे कभी बातें नहीं करती थी, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं जिद्दी हूँ, जो जिद करता हूँ काम पूरा करता हूँ, समय लग सकता है, मैं लड़ूंगा और राजस्थान के अंदर सब लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और सारे अंचलों में लड़ाई लड़ूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं कहीं भी जाके खड़ा होता हूँ, 5,000 की सभा में एक दिन पहले कर लेता हूँ, राजस्थान के किसी भी कोने में, चाहे मेरी जाति के वहाँ लोग ही नहीं, चाहे मीणा बाहुली हो, चाहे गुजर बाहुली हो, चाहे ब्राह्मण बाहुली हो, चाहे दूसरी जाति के बाहुली हो, और इस संसद में 36 लोगों ने मुझे वोट दिया, राजभूतों में वोट दी मुझे 2-3 हजार, इसका मतलब यह है हनुमान बेनीवाल को 36 कौम पसंद करती है। हो सकता है वोट कई बार कम ज्यादा हो जाए, अब जैसे गुजरों ने इस बार कांग्रेस को वोट डाला राजस्थान में, सचिन पायलट दिखाई दे रहा था, अब नहीं बना, गुजरों को बहुत बड़ा झटका लगा था, तो पायलट को भी सपोर्ट करती है, भाई उन्होंने मेरे से 2-3 बार बात करी, मैंने उनको सपोर्ट कर दिया, मेरे पास जो 3 और 2 निर्दलीय थे, तो मैं ऐसा नहीं कोई सत्ता के पीछे बात हूँ, लड़ने वाला व्यक्ति मुझे पसंद है, और लड़ाई के अंदर जो लगता है कि जो कमजोर पड़ रहा है तो मैं कमजोर के साथ लड़ाई के अंदर में रहता हूँ। संकल्प खबरों की सच्चाई का, प्रतिज्ञा सच की पैरोकारी की, प्रण आपकी प्रगति का, सच समाज के हर पहलू का, सफर हक के लिए दौड़ती जिंदगी का, संघर्ष झूठ को चुनौती देते सच का, सोच आपकी उन्नति की, पत्रिका विश्वास 62 वर्ष की पत्रकारिता का। हमारी आंखों से आपकी आवाज तक, अकेले से आवाम तक, दिन से रात के हादसों तक, हर दिन पैदा होती मुश्किलों तक, आपकी दैनिक आवश्यकताओं तक सदैव बने रहेंगे हम, आपका अपना पत्रिका टीवी। धन्यवाद साहब, स्टूडेंट लाइफ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति के कोई ना कोई दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं, मस्जिद फ्रेंड होते हैं, नवोदिया जिनको बोलते हैं, आपके कौन नवोदिया दोस्त है, उनसे मित्रता किस तरह से निभा पाते हैं? देखिए, मेरे स्कूल कॉलेज से लेके नवोदिया दोस्त है, मेरे गाँव की स्कूल से लेके, और जो आज मेरे साथ आगे नहीं पढ़ पाए वो दूसरे काम, वो भी मेरे नवोदिया दोस्त है, नागौर शहर में लेके राजस्थान के हर कोने में नवोदिया दोस्त मिल जाएगी, मेरी स्कूलिंग कॉलेज हमेशा छात्र आ रही था, तो उनका भी मैं पूरा ख्याल रखता हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ, मेरे दोस्तों को मेरे भाइयों को अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं उनके लिए तैयार खड़ा रहता हूँ, उनको भूलता नहीं मैं कभी, उनके लिए भी समय निकालने का प्रयास करता हूँ, वो भी मुझे इस मुकाम पर देख के वो खुश होते हैं, मेरी जब विपरीत परिस्थितियाँ थी
उन लोगों ने मेरे साथ दिया था हर जगह। तो मैं कुछ ऐसे नाम जो बहुत ही नजदीकी हूँ आपके, जिनसे बहुत ज्यादा लगाव हो आपका, और उनके साथ कोई संस्मरण हो, या अब उनको वो कैसे आपको मिल पाते हैं, जब आते हैं? अब देखिए, अब ऐसे मैं नाम लूंगा तो कई लोग नाराज हो जाएंगे जिनके नाम नहीं लूंगा। अब जिस मुकाम को मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं कभी समय आने पर उनकी वो नाम भी लूंगा, उनकी बात भी करूंगा, लेकिन सच्ची संख्या में मेरे दोस्त थी हर कम्युनिटी का, हर जाति का, और हम पारिवारिक तरह से तरीके। और अब तो राजस्थान की जो जनता है ना, सारी सारी हनुमान बेनीवाल को अपना मानती है। इसलिए तो देखो 200 से ज्यादा गाने लॉन्च हो गए, फिल्में गाने भी लॉन्च हो गए मेरे लिए। ये हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और दिल्ली तक इतना हो गया कि यूथ की जिस तरह दीवानगी बदल रही है, उससे लग रहा है कि राजस्थान में ये आर एल की दिल्ली की ओपनिंग है। हम और अन्य दलों से मिलकर बात भी करें, ये हमारी इच्छा है। और क्योंकि मुझे जनता जितना प्यार करती है, उतना ही मैं लोगों से प्यार करता हूँ। मेरा जीवन मैंने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। मैं इनके साथ कभी मैंने आज तक विदेश नहीं गया, मैं बताऊँ इससे ज्यादा क्या होता है। हर एमएलए पहली बार मतलब घूम गया था बाहर जाकर, मेरा पासपोर्ट सरकार ने पहले जब्त कर लिया था, हथियार जब्त कर लिया, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, लोगों ने मेरी रखवाली करी। लेकिन मेरे दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने और सब की जनता ने विकट परिस्थिति में, मुंडवा नागौर की जनता ने विकट परिस्थिति में मेरे परिवार का साथ दिया। बहुत बड़ा संकट परिवार पर आ गया था, तब सारे माफिया और मेरे ही समाज के बड़े लोग, बड़े अधिकारी मेरे खिलाफ हो गए थे, बड़े नेता खिलाफ हो गए थे, सब यहाँ के आम आदमी, गरीब आदमी मेरा साथ दिया, 36 कौम के लोगों ने साथ दिया। उस साथ को हनुमान देने वाला हमेशा याद रखेगा। जो बुरे वक्त में मेरे साथ था, वही मेरा असली भाई है, उसका हमेशा ध्यान रखता हूँ। अच्छे वक्त में हर कोई साथ हो जाता है, तो बुरे वक्त में साथ उनका मैं ज्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं हैंडल भी उसी हिसाब से करता हूँ लोगों कि कौन मेरे किस समस्या, और मैं किसी का नुकसान मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं किया। चाहे मेरा वोट विरोधी भी रह गया तो उसकी भी ऐसा नहीं, वोट क्या दे देगी बदली करो, मेरी नेचर नहीं है। ठीक है, एक बार कहते सर, पर ध्यान रखेंगे राजनीति में, इतना जरूर उसको बुलाना मिले। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल सभी जाति, सभी कौम को साथ लेकर चलने वाले हैं। इन्होंने हर जरूरतमंद की सहायता की है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, इन्होंने बिना जाति के भेदभाव, बिना कौम देखे सबका सहयोग किया है। हमेशा किसानों और युवाओं के लिए बात की है, उनके हित के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे विधायक हैं, उनको मैं 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि वो पिछले कई सालों से आज जनता से लगातार जुड़े हुए हैं और हर कार्य को, चाहे रात हो दिन हो, अपने तरफ से पूरी तरह से जुड़े हुए लोगों के साथ, इसलिए उनको मैं पूरे 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। उनको मैं मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहता हूँ। हमारे सारे गांव में सड़कों का है, चिकित्सक का है, नहरी पानी का है, वाटर बॉक्स की ट्यूबवेल का है, सब काम करवाते हैं। सारे विधानसभा में महीना से घूमते हैं, महीने भर में आराम से, और घर पर ही बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कोई भी आदमी गरीब है, चाहे कोई भी है, उनकी शिकायत लेकर आते हैं, घर पर भी सुनते हैं और सबका काम करते हैं। क्यों सर, विधायक हनुमान बेनीवाल को हम जनता का बहुत सहयोग करते हैं हर चीज़ में। आज 15 साल से क्यों सर क्षेत्र के अंदर सक्रिय है और हर जाति समाज के लोगों का 24 घंटा सुनवाई जन सुनवाई करते रहते हैं, और हमारा जो भी मुद्दा है विधानसभा में उठाते रहते हैं, और हर तरह से हमारे दिन रात मेहनत करते हैं जनता के लिए, युवाओं के दिलों पर इसलिए राज करते हैं। जो युवाओं की समस्या है उनको आगे मुद्दा भी उठाते विधानसभा के अंदर, और दिन रात उनको दिग्गजों से मिलना है, और कोई समस्या युवाओं की नागौर के अंदर, क्यूंसर के अंदर, कौन सा भी क्षेत्र हो, दिन रात तैयार रहते हैं। तो ये है राजस्थान के दबंग नेता हनुमान बेनीवाल, जो क्यूंसर से विधायक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है। इन्होंने अपनी निजी, पारिवारिक और राजनीतिक बातें आज हमारे साथ शेयर करी। राजस्थान पत्रिका के लिए चंद्रशेखर वर्मा के साथ मैं रुद्रेश शर्मा। पूछिए सीधे अपने नेता से सवाल, आपके जनप्रतिनिधि देंगे इनके जवाब। व्हाट्सएप नंबर 9057531523 पर अपने सवाल टाइप करें या वीडियो बनाकर भेजें। माय मेंबर कार्यक्रम के दौरान आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभात। हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी राजनीति में आज दिन भर की बड़ी हलचलों के साथ आप सभी का स्वागत है। सबसे